रिस्क है। अब सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, इसकी तजजी कर लेनी है, ठीक है। तजजी करने के बाद जो जोड़े बनेंगे, ठीक है, उनको आपने लिख लेना है, दो की ताकतों में लिख लेना है, कुव्वत नुमा में, ठीक है। कुव्वत नुमा में लिखने के बाद जो तीसरा स्टेप आपको होगा, जो कुव्वत नुमा आ रही होगी बाहर, उसको अंदर क्या कर देना है, अंदर वाली ताकतों से ज़रब कर देना है, ठीक है। ज़रब करने के बाद आपने क्या करना है, उनको काट देना है, ठीक है। काटने के बाद अब यहाँ पे ये यहाँ तक ताकतें आपकी क्या हो गई हैं, कट गई हैं, ठीक है। अब जो रह गई है, अब देखें, दो की ताकत दो रह गई है, तीन की ताकत दो और पाँच बटा दस बटा दो, दस बटा दो आप दो एकम दो, दो पाँच दस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पाँच बटा एक आ गया। अब ये बटे में है ना, ये बटे में है, आप क्या करेंगे जब इसको उल्टोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बटा पाँच हो जाएगा। तो ये जब ऊपर आया, ये देखो ये बटा ख़त्म हो गया, ये ऊपर आ गया, ये इधर ऊपर आ गया, तो ऊपर आने के बाद ये क्या हो गया, एक बटा पाँच हो गया, उलट गया है ना, पाँच बटा एक का, तो एक बटा पाँच हो गया। जब बटे में आया तो ज़रब हो गया, ज़रब होने का मतलब ये उलट गया इसके साथ, तो इसके साथ क्या हो गया, पाँच के साथ ये ज़रब हो गया, ठीक है। अब पाँच एकम पाँच और पाँच एकम पाँच, ये आप कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ताकतें रह गई हैं, दो की ताकत दो ज़रब, तीन की ताकत दो, और इस पूरे का जज़र, ठीक है। एक जो होगा, एक का जज़र तो एक ही आता है, ठीक है, या एक इसके साथ ज़रब हो गया, यही चीज़ आ जाएगी, दो की ताकत दो ज़रब, तीन की ताकत दो, ठीक है। अब जो जज़र है वो दोनों कुव्वत नुमा के ऊपर है, तो ये आपने कानून में पढ़ा है कि जब जज़र दोनों कुव्वत नुमा पे होता है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। पहली कुव्वत नुमा पे जज़र, दरमियान में ज़रब, और फिर क्या करना है, दूसरी कुव्वत नुमा पे जज़र, ठीक है। अब जज़र की ताकत क्या होती है, इसको आप उस तरह भी काट सकते हैं या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बटा दो इसकी ताकत लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रब तीन की ताकत दो, और ये आप क्या लिख सकते हैं, एक बटा दो, उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये ताकत अंदर ज़रब कर सकती है, ठीक है, और इस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर होगा वो, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। दो दो से कट जाएगा, ये भी दो दो से कट जाएगा। अब पीछे दो की ताकत क्या रह गई है, एक, ठीक है, और तीन की ताकत क्या रह गई है, एक, ठीक है। तो दो ज़रब तीन आपने किया है तो क्या जवाब आ गया, छः, ठीक है। तो अब आपने देखा है कि ये जो शक्ल थी उसकी, जो रेडिकल शक्ल थी, ये कौन सी शक्ल थी, उससे आपने सादा तरीन शक्ल में ऐसी शक्ल लिखी है जिसके ऊपर कोई जज़र नहीं है, कोई ताकतें नहीं आ रही, उसके अंदर आपने इसको तब्दील कर दिया, ठीक है।